प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े इसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बीच रास्ते में कोई अंकल है तेरे को? बस बात कर मेरे साथ, तू गलत है मतलब गलत है, समझी ना? अरे क्या आप भी? ऐसा थोड़ी ना होता है। मैं भी वही बोल रहा हूँ, ऐसा थोड़ी ना होता है, बीच रास्ते में। क्या बात है, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो भाई। अगर दुनिया की सबसे अद्भुत जोड़ी का अवार्ड मिलना हो ना तो आप दोनों को मिलेगा, क्योंकि नॉर्मली हस्बैंड वाइफ जो होते हैं वो बेडरूम में लड़ते हैं या लड़ते लड़ते हॉल तक आ जाते हैं, लेकिन आप लोग तो लड़ते हुए कंपाउंड तक आ गए। अरे भाई, ऐसा क्या हुआ कि यहाँ बहस हो रही है? मैं बताती हूँ। तू रहने देना भाई, क्या हुआ मेहता साहब? अब आप ही बताइए, इसमें मैंने क्या गलती की है? ले बोलो। देखिए, कोई अपनी पत्नी का गुणगान आपके सामने गाएगा तो क्या आप अंजलि भाभी का गुणगान उसके सामने नहीं गाएंगे? नहीं नहीं, अंजलि की तारीफ जरूर करूंगा। हाँ, तो बस ऐसे ही मेरी एक सहेली ने अपने पति का गुणगान मेरे सामने गाया तो मैंने उसके सामने अपने पति का गुणगान गाया, तो इसमें मैंने क्या गलत किया है? नहीं 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 भाभी, जिस तरीके से आपने किया वो बिल्कुल गलत है। आपकी जगह अंजलि भी करती तो मैं नाराज होता। अरे सड़क पे खड़े होके कोई बताता है कि क्या है आपके पास, कैश है, जेवर है, पता नहीं क्या क्या, ये तो सीधा सीधा चोरों का आमंत्रित करना हुआ ना। जमाना कितना खराब है। ऐसे थोड़ी ना होता, सब मर्द एक जैसा होता है। रुक रुक, भागते किधर है? रुक, नॉनसेंस। एक पाई की अक्कल नहीं है मेहता साहब, इसको कब कहाँ कितना क्या बोलना चाहिए। कभी कभी मैं इतना परेशान हो जाता हूँ ना इससे, क्या बताऊँ मैं आपको। समझ सकता हूँ। चलो, आज की एक और रात टेंशन में निकालनी पड़ेगी। अच्छा मेहता साहब, मैं क्या बोलता हूँ, ये हमारी इतनी बड़ी सोसाइटी है, हम लोग एक वॉचमैन नहीं रख सकते? अरे इस विषय पे तो हमने सोचा ही नहीं, क्यों नहीं रख सकते, जरूर रख सकते। अरे भाई, तो कुछ कराओ, एक काम करो, वो भीड़ों को मैं बोलूंगा ना तो मुझे काटने दौड़ेगा। आप भी जरा बात करो ना उसे, कुछ कराओ ना, वॉचमैन वॉचमैन का जरा रखाओ ना जरा। अरे भीड़े क्यों, मैं सोसाइटी के तमाम लोगों को आज ही इकट्ठा कर लेता हूँ, एक मीटिंग कर लेते हैं और आज ही ये वॉचमैन का इशू फाइनल कर लेते हैं। ठीक है, बस फाइनल, ठीक है ना? तो रात को मिलते हैं, मैं सबको इन्फॉर्म करता हूं। हां, बस बस बता। ओके, ओ मेहता साहब, सोडा खत्म होने को आया, वो कौन सी खास बात है जो हम सबको यहाँ बुलाया? देखो, खास बात तो है, आप लोगों को पता ही है कि अंजलि के गले से दिन दहाड़े चेन लेके चले गए चोर, और तो और बंदूकें लेके गुंडे बवाली सोसाइटी में घुस गए। भाई अभी तो सिर्फ सोसाइटी में घुसे, हो सकता है कल को हमारे घर में घुस जाए चोर, और किसी के भी घर में चोरी हो सकती है। सोटी तुम्हारे घर में हो सकती है, भीड़ा तुम्हारे घर में हो सकती है, मेरे घर में हो सकती है। अरे जेठालाल, ऐसे कैसे चोर आएंगे? हाँ तो कैसे आएंगे, तुमको बता के आएंगे क्यों? भीड़े कल घर पे मत रहना, हम लोग चोरी करने आने वाले। नहीं नहीं, मतलब कहना क्या चाहते हैं आप? अरे भाई, कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को सोसाइटी की सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। ओ बस इतनी सी गल, और सीधी सी बात है, इस गेट पे हम लोग एक बोर्ड लगा देते हैं और उस पे लिख देते हैं, चोरों का अंदर आना मना है। ओ यार, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, आप लोग सीरियस हो गए? सोढ़ी साहब, क्योंकि ये मजाक का वक्त नहीं है। अरे बड़ा सीरियस मुद्दा है भाई ये, क्या बोर्ड बोर्ड लगा देते हैं, कुछ और सोचना पड़ेगा। मेरे ख्याल से हम सिक्योरिटी के लिए क्यों ना एक वॉचमैन रख दें सोसाइटी में। ले बोला मेहता साहब, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। अरे लेकिन मेहता साहब, वॉचमैन की क्या जरूरत है, और वैसे भी मेरे घर पे चोर आएगा तो उसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं भाई, तुम्हारे घर पे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन सोसाइटी में और भी लोग रहते हैं ना, उनके घर पे बहुत कुछ मिल सकता है।
क्यों सोटे? हाँ बिल्कुल मिलेगा ना उसको, मेरे कुसे और चार लाते। अरे चोर ना चोरी करना भूल जाएगा, और मुझे कुछ नहीं रखना वॉचमैन फॉचमैन, और मैं अपने घर की हिफाजत खुद कर सकता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, ते वाहेगुरु जी की फतेह। सोड़ी तू शांत हो जा, बैठ जा बैठ जा। हाँ हाँ सोड़ी जी। और मेहता साहब आप तो जानते हैं ना कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं सोसाइटी में जो मेंटेनेंस टाइम पे नहीं भरते, कितनी बार उनको याद कराना पड़ता है, और ऊपर से अभी ये वॉचमैन का खर्चा आ जाएगा। सोसाइटी के पास इतना फंड नहीं है। पर वॉचमैन जरूरी है। अय्यर भाई आप क्या बोलते हो? नहीं मेरे को ऐसा लगता है कि वॉचमैन रखा तो भी ठीक है, और वॉचमैन नहीं रखा तो भी ठीक है। लेकिन क्या है कि आत्माराम का कहना भी एकदम बराबर है, लोग मेंटेनेंस देते नहीं है, फिर वॉचमैन का एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस सोसाइटी को बहुत भारी पड़ेगा। आत्माराम यू आर राइट। थैंक यू। तो ठीक है फिर ये तय रहा कि हम लोग गोकुलधाम सोसाइटी में वॉचमैन नहीं रखेंगे। बिल्कुल। हेलो हेलो बॉस, गुड न्यूज, गोकुलधाम सोसाइटी वाले वॉचमैन नहीं रखने वाले। सेठ जी जय जिनेन्द्र। हाँ दिनेश भाई आ गए, भेज दो पेमेंट। ओहो और दो तीन दिन आ तो ना, ठीक है आप आ जाओ तो मुझे फोन कर देना, मैं भेज दूंगा पेमेंट। हाँ भले आ जाए जिनेन्द्र। क्या मुसीबत है, अरे दया को बताना पड़ेगा। हेलो। हाँ दया। अरे वाह क्या हुआ? अरे मैं तो खुश हो गई, मेरे तो बाग खुल गए जो आपने मुझे फोन किया। अभी ज्यादा वाइड मत होना भाई, मैं बोल रहा हूँ वो सुन। देख घर छोड़ के आजू बाजू किधर घूमने मत निकल जाना। क्यों? अरे क्यों क्या, घर पे इतने सारे पैसे पड़े उसके लिए और क्या। नॉनसेंस। सेठ जी आज सवेरे सवेरे इतने टेंशन में क्यों है आप? अरे टेंशन नहीं होगा तो क्या होगा नटू काका, ये घर पे इतने सारे वो 25 लाख दिनेश भाई के पड़े हैं, सोसाइटी में 2 बार चोरी हो गई, और भीड़े है कि मानता ही नहीं वॉचमैन रखने के लिए। सच बात कहूँ सेठ जी, हर सोसाइटी में एक भीड़े जैसा सर फिरा आदमी होता ही है। जब तक उसके खुद के घर में चोरी नहीं होगी ना, तब तक उससे एकल ठिकाने नहीं आएगी। जब तक उसके खुद के घर में चोरी नहीं होगी ना, तब तक उससे एकल ठिकाने नहीं आएगी। अरे नटू का क्या? एक लड़का है इधर अपने दुकान के बाहर ऐसा घूमते रहता है टपोरी जैसा। अरे 2-3 बार मैंने देखा आपको उसके साथ बात करते हुए। अरे नहीं वो क्या, कभी वो गणपति में आया था चाय पानी मांगने के लिए। हाँ हाँ बल्लू। हाँ बल्लू। वो वैसे क्या करता क्या? कुछ नहीं सर जी, वो पट पुजिया सारा दिन इधर उधर घूमता ही रहता है, लुक्खा है। आप उसको जानते हैं वैसे? हाँ। आप उसको अभी बुला के ला सकते हैं? हाँ हाँ अभी उसको बुला के लेता हूँ। लेकिन सुनो इधर मत लाना, मैं गोडाउन में बैठा हूँ, उधर लेके आना। हाँ हाँ सेठ जी। हाँ बल्लू। आओ बल्लू आओ। सेठ जी बल्लू। नमस्ते सेठ जी। हाँ नमस्ते। भाई बल्लू एक छोटा सा काम है भाई हमारा, करेगा? हुकुम करो सेठ जी, बिल्कुल करेगा। तो देखो काम ऐसा है, सब समझ गया सेठ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, आप समझ लो आपका काम हो गया। लेकिन एक बात याद रखना भाई, सोसाइटी में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुमको बुलाया करने के लिए।
सेठ जी बिल्कुल किसी को खबर नहीं लगेगा। तो ठीक है नटू काका, फिर व्यवहार की बात भी कर लेते हैं। क्या सेठ जी, आप भी हाथी घोड़ा छोड़ा मांगने वाला है? घर का लड़का है, आप जो दे देंगे वो ले लेगा। ठीक है तो फिर 5,000 नहीं सेठ जी, बहुत ज्यादा है। बल्लू 2,000 नहीं, 2,000 से एक पैसा ज्यादा नहीं। अरे क्या नटू काका, आप बोलते थे तो मैं 500 भी ले लेता था। ठीक है अभी मैं चलूं। ठीक है तो भाई, लेकिन आज रात को भूलना नहीं है, काम हो जाना चाहिए। अरे सेठ जी आप बिल्कुल फिक्र मत करो, आज रात को आपका काम हो जाएगा। ठीक है ठीक है, नमस्ते। नटू काका, मैं उसको 500 ही बोलने वाला था, आपने क्यों 2,000 बोल दिया? अच्छा आप 500 बोलने वाले थे? तो मुझे क्या मालूम, मुझे लगा 5,000 बोलने वाले हैं, इसलिए मैंने 2,000 बोल दिया। 5,000 बोलने वाले, काम का 1,500 का नुकसान करवा दिया ना। कोई बात नहीं सेठ जी, दूसरी बार आपको उसका काम पड़ेगा ना, मैं बोल दूंगा, फ्री में कर देगा। बस राजी ने जलसा करो। आत्माराम तुकाराम भिड़े, अब तू देखना सोसाइटी में वॉचमैन रखने के लिए यूं तैयार हो जाएगा। गर्मी की सीजन है ना बेटा, तो गर्मी होगी। जा जा जा, एसी चालू करके सो जा, जा। पापा, आपको गर्मी नहीं लग रही है? मैं भी इसी धरती का इंसान हूँ बेटा, मुझे भी गर्मी तो लगेगी ना, है? लग रही है मुझे भी गर्मी। लग रही है ना? हाँ। तो पापा मैं क्या कह रहा था, चलो ना मस्त ठंडा गोला खा के आते। अभी? हाँ। नहीं इतनी भी गर्मी नहीं लग रही कि ठंडा गोला खाने की जरूरत पड़े। जा सो जा सो जा, चलो। मम्मी, ओ बेटा, एक मिनट इधर आ। हाँ ये। बोलो बेटा। मम्मी मुझे गोला खाना है और पापा ना कह रहे। गोला? अरे वाह, चलिए ना, ऐसा क्या करते हैं, टप्पू ने गोला बोला तो मुझे भी खाने की इच्छा हो गई। और वैसे भी इस बार गर्मी में हम एक बार भी गोला खाने के लिए गए ही नहीं। ऐसा कोई कायदा है कि गर्मी में गोला खाना जाना ही चाहिए? नहीं, वैसे ऐसा भी कायदा नहीं है कि गर्मी में गोला खाने के लिए नहीं जाना चाहिए। तुमको गोला खाना है? हाँ हाँ। एक काम करो, वो फ्रिज में से बर्फ निकालो, उसका चूरा करो, फिर ऐसा गोला बनाओ और उसके ऊपर माधवी भाभी ने वो कच्ची केरी का शरबत दिया ना, वो ऐसा छिड़को और खा लो। जाओ 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 जाओ। लेकिन पापा मुझे काला खट्टा खाना है। हाँ हाँ मुझे भी। और वैसे भी गोले के बीच में जो डांडी होती है ना, वो तो घर में है नहीं, और गोला खाने का असली मजा तो उस डांडी को ऐसे पकड़ के ऐसे आता है। बराबर है, कल 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 जाएंगे। पापा, तो कल भी इच्छा होगी ना दया, आज अपनी इच्छा को जरा थोड़ा सुला दो। जाओ तुम तीनों यहाँ आओ। अरे मैं कब से घर में ढूंढ रहा हूँ सबको। टप्पू हल सुमे लाए। हाँ जा जा सो जा जा। दादाजी मुझे गोला खाना है और पापा ना कह रहे। बापू जी। हाँ तो जेठा सही कह रहा है। बापू जी। अरे अरे क्या कर रहा है? नहीं। अरे बेटा ये कोई वक्त है गोला खाने जाने का है? अरे गोला खाने का असली मजा तो दोपहर में आता है, है? थोड़ी धूप में। कल मैं तुझे लेके जाऊंगा। तो दादाजी कल पक्का ना? अरे हाँ पक्का पक्का, चल ले। चलो चलो। अच्छा समझी, तो गोला खाने के लिए सिर्फ हम दोनों जा रहे हैं। यार तू भी जाके सो जा, ऐसा बोल रहा हूँ हम दोनों। तो आप नहीं आएंगे सोने के लिए? आ रहा हूँ मैं, थोड़ी जरा हवा खा के आता हूँ। इतना तो खाया फिर भी पेट नहीं भरता है, और ऊपर से हवा खा रहे हैं।
मैं तो कहती हूँ कि हवा के बदले शरीर पर दया खाओ। नॉनसेंस। साढ़े 11 बजने का ये बल्लू अभी तक नहीं आया, कहीं दगा तो नहीं देगा ना? चालू मत कर, धक्का मार के लेके जा। ओ नहीं होगा चालू भाई। भाग जाओ, जल्दी भाग जाओ। कोई नहीं जाएगा। अरे क्यों? अरे बाहर उसकी बहुत बड़ी गैंग हो सकती है भाई, अगर तुम गए तो तुमको मारेंगे छोटी। अरे यार बाप रे, ये क्या हो क्या रहा है हमारी सोसाइटी में? अरे जीना मुश्किल हो गया यार। चोर 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 कितनी बार आ गए हमारी सोसाइटी में चोर। तो अरे भाई भिड़े, ये तो अच्छा हुआ मेरा ध्यान गया, वरना आज तो तेरा स्कूटर गया था। करेक्ट। हाँ बराबर है। क्या बराबर है, वॉचमैन होता तो ध्यान रखता ना वो बराबर। बिल्कुल बिल्कुल। क्या वॉचमैन रखना चाहिए कि नहीं? हाँ ठीक है जेठालाल, मेरे ख्याल से अभी हमें वॉचमैन रखना ही चाहिए। हाँ, हाँ। तो ठीक है, हम लोग कल ही सोसाइटी में मीटिंग बुलाते हैं। ए भाई क्या अभी भी मीटिंग? भीड़े अब तो समझो यार, कौन सी मीटिंग? कोई मीटिंग वीटिंग नहीं, हम लोगों को सोसाइटी में वॉचमैन रखना, ये फाइनल करते हैं, क्या बोलते हो? हाँ बिल्कुल, हाँ रखना ही पड़ेगा। हाँ बस रखना ही है। लगता है हमारी सोसाइटी को किसी की नजर लग गई है। पहले अंजलि भाभी की चेन चोरी हो गई, फिर फायरिंग हो गई, और आज तीसरी बार चोर आ गए। देवारे देवा, ये क्या हो रहा है यार? मैं तो कहता हूँ कल के कल ही रख लेते हैं। मैं काम करता हूँ, कल अब्दुल को बोल देता हूँ। ओके okay, बीच में दुकान के लिए मुझे वॉचमैन चाहिए था ना, तो उसको बोला था उसकी पहचान में है कोई। ठीक है कल ही बोल दो, और वॉचमैन रखना फाइनल। ठीक है ठीक है। चलो भाई चलो चलो। गोकुल धाम सोसाइटी में वॉचमैन रखने का फैसला हो गया। मुझे समझ में नहीं आता, हम सभी काम तभी क्यों करते हैं जब वो करना बहुत जरूरी हो जाते हैं। रास्ते में कोई पत्थर हो, अगर हमें ठोकर न लगे ना, तो हम उसे निकालने की भी नहीं सोचे। चलता है चलने दो, होता है होने दो, शायद हमारे जीवन का मूल मंत्र यही हो गया। लेकिन इस वक्त गोकुल धाम सोसाइटी में वॉचमैन आने के बाद क्या होगा, ये मैं नहीं जानता। वैसे देश में इन दिनों क्या हो रहा है ये तो आप जानते ही हैं, इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके जो चुने हुए उम्मीदवार हैं वो आपके चेहरों पे हंसी बरकरार रखें। अब वो हंसी बरकरार रखेंगे या नहीं इसकी गारंटी मैं नहीं लेता, लेकिन हम आपके चेहरों पे हंसी बरकरार रखेंगे इसकी गारंटी लेता हूँ। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.